हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल भारत बायोलॉजी में उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में ये बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो वन बाय वन सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं कि न्यूक्लिक एसिड होता क्या है क्या इसका केमिकल कंपोजिशन होता है एंड इसके टाइप्स के बारे में एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में सभी चीज़ों के बारे में वीडियो के अंदर बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड्स आर लॉन्ग चेन पोलीमरिक मॉलिक्यूल्स न्यूक्लिक एसिड हमारे लॉन्ग चेन पोलीमरिक मॉलिक्यूल्स होते हैं यानी एक बहुत लंबी चेन होती है हमारे छोटे छोटे पॉलीमरिक मॉलिक्यूल्स की द मोनोमर और द रिपीटिंग यूनिट इज नॉन एज न्यूक्लियोटाइड एंड सम टाइम न्यूक्लिक एसिड आर रेफर एज पोलिन्योटाइड तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो हमारे मोनोमर्स यूज होते हैं उनको बोलते हैं हम न्यूक्लियोटाइड्स तो न्यूक्लिक एसिड के अंदर भी हमारे एक लॉन्ग पोलीमरिक चैन मोलिक्यूल्स होती है और जो मोलिक्यूल्स चैन क्रिएट कर रहे हैं उन मोलिक्यूल्स को क्या बोलेंगे हम न्यूक्लियोटाइड्स कभी कभी क्या होता है हमारे न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर तो उनको बोलते हैं हम न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड कैन बी डिफाइन एज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द सेल न्यूक्लिक एसिड जो है ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो हमारी सेल के अंदर पाया जाता है एंड इट प्ले आ की फैक्टर इन ट्रांसफरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन और इसका जो मेजर रोल रहता है वो रहता है हमारी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है उसको एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक लेके जाना न्यूक्लिक एसिड कंप्राइज ऑफ डी एन ए डी राइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड आर एन ए रबोज न्यूक्लिक एसिड डेट फ्रॉम द पोलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड है पहली है डी एन एंड सेकेंड है आर एन ए डीएनए और आरएनए ये दोनों हमारे मिलके बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड से न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोटाइड के मोनोमर्स प्रेजेंट होते हैं जो एक जगह कम्बाइन होते हैं और प्रोडक्शन करते हैं हमारे न्यूक्लिक एसिड का बट अब हम बात करने वाले हैं कि न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना होता है तो न्यूक्लियोटाइड बेसिकली हमारा मिलकर बना होता है फॉस्फेट ग्रुप से नाइट्रोजन बेसिस से एंड राइबोस एंड डी शुगर से अब यहाँ पर दो टर्म दे रखी है पैरामिडेंस एंड प्योरेंस ये दोनों हमारे टाइप हैं नाइट्रोजन बेसिस के पायरामिडिनस के अंदर हमारे दो तरह के नाइट्रोजन बेस होते हैं पहला होता है साइटोसिन एंड सेकंड होता है थाइमिन प्योरिन के अंदर हमारे दो अलग अलग नाइट्रोजन बेस होते हैं पहला होता है ग्वेनिन एंड सेकंड होता है एडेनिन एंड यहाँ पर हमारा एक की फैक्टर निकल का आता है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाती है तो आपके दो टॉपिक एक साथ क्लियर होते हैं डी एंड आर यहाँ पर क्या होता है देखिए हमारा नाइट्रोजन बेस है थाइमिन और यहाँ पर दे रखा है यूरेसिल तो डीएनए के अंदर हमारे कौन कौन से नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं एडिनिन थाइमिन ग्वेनिन एंड साइटोसिन ये तो प्रेजेंट होंगे हमारे डीएनए के अंदर एडिनिन यूरेसिल ग्वेनिन एंड साइटोसिन ये प्रेजेंट होते हैं हमारे आर एन के अंदर डीएनए के अंदर हमारे थायमिन नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होता है बट आरएनए के अंदर यूरेसिल होता है इन दोनों में बस यही मेजर डिफरेंस होता है डीएनए एंड आरएनए में डीएनए के अंदर हमारी डी ऑक्सी सुगर प्रेजेंट होती है एंड आरएनए के अंदर प्रेजेंट होती है हमारी राइबोस सुगर ये एक सेकेंड मेजर डिफरेंस है डीएनए एंड आरएनए के अंदर चलिए न्यूक्लिक एसिड के कंपोजिशन के, के बारे में बात करें तो न्यूक्लिक एसिड मिल बना होता है हमारे तीन अलग अलग मॉलिक्यूल्स से पहले होते हैं हमारे शुगर मोलिक्यूल सेकंड होते हैं नाइट्रोजन बेस एंड थर्ड होते हैं हमारे फॉस्फेट ग्रुप शुगर मॉलिक्यूल की बात करें न्यूक्लिक एसिड के अंदर तो हमारा जो शुगर मोलिक्यूल प्रजेंट होता है न्यूक्लिक एसिड में वो दो तरह का होता है एक तो होता है रैबोज शुगर एंड सेकेंड होता है टी शुगर तो राइबोज शुगर जिस न्यूक्लिक एसिड के अंदर प्रेजेंट होता है उस न्यूक्लिक एसिड को बोलते हैं आर यानी एनि राइबोस न्यूक्लिक एसिड बट डिओक्सी राइबोज शुगर जिस न्यूक्लिक एसिड के अंदर प्रेजेंट होता है वो न्यूक्लिक एसिड होता है हमारा डी ये हमारी शुगर की स्ट्रक्चर है आप इसको देख सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो हमारी शुगर प्रेजेंट होती है वो किस तरह की होती है नाइट्रोजन बेसिस के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि ये टू टाइप्स के होते हैं प्योरिन एंड पैरामिडींस तो डीएनए के अंदर जो हमारे तो डीएनए के अंदर हमारे कौन कौन से नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं ग्वेनिन एडिनिन साइटोसिन एंड थाइमिन बट आर के अंदर हमारे कौन कौन से नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं ग्वेनिन एडेनिन यूरेसिल एंड साइटोसिन उसके अंदर थाइमिन प्रेजेंट नहीं होता है एंड डीएनए के अंदर हमारी थाइमिन प्रेजेंट होती है यूरेसिल प्रेजेंट नहीं होता है ये मेजर डिफरेंस है डीएनए एंड आर के बीच में ये हमारा फॉस्फेट ग्रुप है जो डी एंड आर दोनों के अंदर प्रजेंट होता है तो ये हमारे तीन अलग अलग मोलिक्यूल्स थे शुगर मोलिक्यूल फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजन बेस जिन तीनों चीज़ों से मिलके हमारा न्यूक्लिक एसिड बनता है न्यूक्लिक एसिड बेसिकली हमारा टू टाइप्स का होता है डिओक्सी न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोस न्यूक्लिक एसिड डीएनए मॉलिक्यूल्स हमारे सिंथेसाइज हो जाते हैं मैसेंजर आरएनए के अंदर एंड मैसेंजर आरएनए कंट्रोल करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस को एंड प्रोटीन सिंथेसिस अक्कर होती है हमारी राइबोसोम्स के अंदर ये जो टर्म है प्रोटीन प्रोटीन का वर्क क्या होता है इसके ऊपर हम एक पर्टिकुलर वीडियो बनाएंगे बट अभी आपको बता दूँ जो हमारी सेल्स होती हैं जो हमारी बॉडी है उसको ग्रोथ करने के लिए प्रोटीन मोलिक्यूल्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है तो चलिए पर्टिकुलर अलग डी और आर के बारे में जानते हैं डीएनए डीएनए क्या है हमारा डी ओक्सी न्यूक्लिक एसिड इसकी ये फुल फॉर्म होती है डीएनए जो होता है वो काफ़ी लार्ज मोलिक्यूल होता है जो मेडअप होता है छोटे छोटे स्मॉल न्यूक्लियोटाइड्स से हमारे जो न्यूक्लोटाइड्स होते हैं वो मिलके बने होते हैं तीन चीज़ों से एक होती है हमारी शुगर जो डीएनए के अंदर होती है हमारी राइबोस शुगर होती है फॉस्फेट मोलिक्यूल होते हैं नाइट्रोजन बेस होते हैं इनसे मिलकर हमारा न्यूक्ोटाइड बनता है नाइट्रोजन बेस क्या होते हैं ये पार्ट होते हैं हमारे न्यूक्ोटाइड का और ये कैरी करते हैं हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डी के अंदर जो हमारे नाइट्रोजन बेस होते हैं वो चार होते हैं उनके बारे में जानते हैं कौन कौन सा है। होता है एडेनिन होता है साइटोसिन होता है गुएनिन होता है एंड थाइमिन होता है तो डीएनए की स्ट्रक्चर देख लेते हैं देखिए हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर है डीएनए हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में पाया जाता है ये डीएनए के नाइट्रोजन बेस होते हैं ग्वेनिन साइटोसिन थाइमिन एडेनिन एंड ये देखिए अंदर इसके बेस पेयर्स हैं बेस के अंदर बॉन्डिंग होती है देखिए ग्वेनिन की साइटोसिन के साथ में हो रखी है साइटोसिन ग्वेनिन थमिन एडेनिन एडेनिन थाइमिन ये शुगर फोस्फेट बैकबोन है यहाँ पर ये हमारे बेस पेयर हैं तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है हमारे डीएनए की चलिए आरएनए के बारे में बात करते हैं आर एन ए की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है राइबो न्यूक्लिक एसिड डी एन ए के अंदर हमारी कौन सी शुगर प्रेजेंट थी वो होती है ऑक्सी राइबोज बट आर एन ए के अंदर हमारी कौन सी शुगर प्रेजेंट होती है राइबोज डी एन ए हमारा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर में पाया जाता है बट आर एन ए हमारा सिंगल स्टैंड में पाया जाता है आर एन ए हमारा न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बाहर दोनों जगह पर प्रेजेंट होता है सेल के अंदर आर एन ए हमारा मिलकर बना होता है न्यूक्ोटाइड से एंड न्यूक्लियोटाइड मिलकर बने होते हैं हमारे शुगर फोस्फेट एंड नाइट्रोजन बेस से इसके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं चलिए इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं आर एन ए का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड होता है आर एन ए के अंदर जो हमारे नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होते हैं वो साइटोसिन गुएनिन एडिनिन एंड यूरेसिल थाइमिन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होता है न्यूक्लिक एसिड की मदद से हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस होता है एंड आर जो होता है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस होता है डीएनए बहुत ही ज़्यादा असेंशियल कंपोनेंट है हमारी बॉडी के अंदर जो ट्रांसफ़र करता है हमारे जीन्स को पेरेंट्स से उनके ऑफ स्प्रिंग्स में ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ अ सेल इज़ स्टोर्ड इन डीएनए किसी भी सेल की जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है टोटल वो सभी डीएनए के अंदर स्टोर रहती है डीएनए एन फिंगर प्रिंटिंग इज़ अ मेथड यूज बाय फोरेंसिक एक्सपर्ट्स टू डिटरमाइन पैटर्निटी इट आल्सो यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल इट हैज़ आल्सो प्ले अ मेजर रोल इन स्टडी रिगार्डिंग बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड जेनेटिक्स डी एन ए एक डी एन एक हमारा ऐसा मैथड होता है जिसके अंदर हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का हम यूज़ करते हैं सपोज करिए कहीं पर कोई क्राइम होता है आप या मैं कहीं पर भी जाके कोई क्राइम आप या मैं कहीं पर भी जाके कोई क्राइम कर देते हैं बट हम गलती से वहाँ पे कुछ अपना ऐसा क्लू छोड़ जाते हैं लाइक हमने उसको मारा तो थोड़ा बहुत हमारा खून भी टपक के उस जगह पर गिर जाता है या हमारा कोई हेयर या नाखून वहाँ पर रह जाता है तो जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो हमारे या हेयर्स उनको मिल जाते हैं या फिर नाखून या ब्लड वहाँ पे पड़ा हुआ मिल जाता है तो वो उसके सैंपल को फॉरेंसिक लैब के अंदर भेज देते हैं फॉरेंसिक वाले क्या करते हैं उन सैंपल्स के अंदर से डीएनए को आइसोलेट कर और जिस जिस इंसान पे शक होता है उन सभी के डीएनए से उसको मैच करते हैं और इसकी मदद से वो क्रिमिनल का पता लगा लेते हैं तो इस वीडियो के अंदर हमने जाना कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है इसके टाइप्स क्या हैं इसके फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर के बारे में होप करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ